दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रेखा स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में। तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो, रूटीन वाला वीडियो तो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे से हो नहीं पाता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना करते हुए, क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ और कैमरा संभालना और काम करना वो मेरे बस का नहीं है। इसीलिए मैं डेली रूटीन नहीं दिखा पाती। जब मैं कहीं जाती हूँ, कुछ स्पेशल होता है, तो ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग तो व्यू देते नहीं हो, तो इसके लिए मैं मेमोरी के लिए वीडियो बना लेती हूँ, तो मेमोरी रहेगी। मैं कभी वीडियो खोलूँगी या मेरे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे खोलेंगे, मेरी मम्मी यंग थी तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाती थी, ऐसे ऐसी हरकतें करती थी। यहाँ सृष्टि रेडी हो गई है, बाबू रेडी होके नीचे चला गया है और पतिदेव अभी काम पर से आ रहे हैं। वो रेडी होके बोले मैं पीछे से आऊँगा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग को पता चलेगा, तो हम लोग देख सकते हैं। मैं ये सोच रही थी मैं सूट पहनूं, फिर मेरा मन किया, मैं बोली कि ये सिंपल सी साड़ी है, साड़ी वेयर कर लेती हूँ। तो मैंने ये वाले ब्लू वाले, जो कि बहुत मैंने अपने हाथ से बनाई थी, ये लेस वगैरह अपने हाथ से लगाया था साड़ी, तो मैंने ये पहन लिया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, तो मैं चलो आप लोग को वहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है। हो सकता है ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, हो सकता है लंबा भी वीडियो हो जाए, पता नहीं वहाँ कैसा कौन आएगा कैमरे के सामने, कौन नहीं आएगा और कैसे शूट करूँगी वो मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया है। अगर वीडियो बन गई तो मैं तो पोस्ट कर दूँगी यूट्यूब पे, वीडियो नहीं बनी तो नहीं पोस्ट करूँगी। तो आप लोग भी दे चलो, अगर आगे का वीडियो देखने को मिलेगा तो समझ लो मैंने शूट किया है। तो वीडियो में बने रहो, चलो हम निकलते हैं। बहुत 8 बजने वाला है, 7:30 बजे बुलाई थी, अभी हम पहुँचे नहीं, तो निकलते हैं फटाफट। चलो वहीं मिलाते हैं आप लोग को, मिलते हैं, सबको मिलाते भी हैं और दिखाते भी हैं कि हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या आए हैं। तो बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ, ननद है मेरी, ननद लगती हैं, जैसे कि मेरी ननद की फ्रेंड है, तो उनकी बेटी के अनुप्रास में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, तो आज अनुराधा नाम है, अनुराधा मौर्या, और उनके हस्बैंड का नाम है अलीसा। तो दोनों के बच्ची का नाम है समायरा। तो आज समायरा 6 महीने की हो गई है, तो हम जा रहे हैं समायरा का अनुप्रास करने, क्योंकि हम और मेरे पति देव मामा मामी लगते हैं, तो मामा मामी करते हैं। वैसे तो सगे मामा मामी सब आएंगे, उन लोग करेंगे, फिर हमें भी बुलाया गया है, अनु ने हमें भी बुलाया है, तो हम भी जा रहे हैं ये रस्म करने। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिए आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, वीडियो एंजॉय कीजिए। तो मेरे वीडियो में आप लोग सुन सकते हैं कि अजान हो रहा है, मैं अजान के टाइम एडिटिंग कर रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो अजान की आवाज़ आ रही है। तो आगे वीडियो में आपको सुनिए क्या हो रहा है, कौन आया सामने। रूम नंबर लिखा होगा ना? नहीं। रूम नंबर तो इसको लिख देना चाहिए था। हाय अली भाई, अलैकुम सलाम, कैसे हैं आप? मेरा ब्लॉग भी चालू है। और बताइए अली भाई, कैसे हो? बहुत दिन के बाद मिले। बहुत अच्छा हूँ, आपकी कमी हो। बिटिया नहीं आई होती तो बुलाते भी नहीं। बिटिया नहीं आई होती तो बुलाते भी नहीं। नहीं, घर ले लिए, सब कर लिए, बुलाए नहीं। वाह क्या बात है, इधर तैयारी हो गई है, देख सकते हैं अनुप्रास की पूरी तैयारी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। और अली भाई कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना, आ रहे हैं। साथ में जाना चाहिए, वैसे छोड़ के कैसे आना है? हाँ, अरे वो ड्यूटी से आ रहे हैं। और गायत्री कैसी है? ये भी नहीं खाई रही थी। हेलो आंटी, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। जल्दी से एक और बाबू लेके आओ। तो पता चलना चाहिए ना इंटरव्यू कैसे हुई। तो ये देखो, ये है अनुराधा मौर्या, और हमने अली भाई से मिलाई लिया, तो हम आए हैं इनकी बिटिया रानी के अनुप्रास में। बिटिया रानी कहाँ है? सामने बिटिया रानी को दिखाओ भाई जल्दी से हमारे ब्लॉग में। और कैसी है? बहुत दिन के बाद दिख रही है, कहाँ गायब हो गई? अच्छा इधर है। हेलो हेलो, देखे कहाँ? अच्छा परमिला भाभी किधर है? हेलो, ये देखो ये है हमारी बिटिया रानी, मैं इनकी मामी, और ये है हमारी भतीजी, देख लो। छह महीने बाद इसकी शक्ल देख रहे हैं हम लोग। हाँ पूरी तैयारी हो गई,
अरे पियेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, हम एंट्री ले लिए हैं, आगे का जो भी प्रोसेस होगा अनप्राज का आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तब तक मैं पानी वानी पी लूँ, अपना आव भगत करवा लूँ। हाँ बेटा क्या हुआ, क्या हुआ टैडी है, टैडी चालू करे थोड़े से लाइक्स हमारे भी मतलब वीडियो में डाल दीजिए, इसीलिए तो बना रही हूँ। मेमोरी रहेगा ना, जब तू कभी देखेगी तो मेरे वीडियो पे आके देख सकती है ना, मेरी बिटिया का अनप्राज चैनल पे जाके देखती हूँ। ऐसे तो व्यू वगैरह नहीं आता है, पर मेमोरी के लिए मैं डाल देती हूँ। क्या बनाई है, क्या है कुछ, मेरी बेटी आज ही खाने वाली, मतलब ये क्या है कुछ, मतलब खीर है कि, अच्छा खीर, अच्छा वही वही कलर थोड़ा अलग लग रहा है ना, अपना खीर तो व्हाइट व्हाइट रहता है, दूध को अच्छे से पकाया है। हाँ बुलाना चाहिए था ना, तैयार कर देना ना कभी। तो दोस्तों ये मैं डेकोरेशन का फोटो ले रही हूँ, इसके बाद सब एक दूसरे से बात कर रहे थे क्योंकि अभी ये रस्म चालू नहीं हुआ था, तो सब एक दूसरे में कोई फोटो शूट करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है, सब एक दूसरे से बड़बड़ बड़बड़ किए थे, तो सबका आवाज़ शोर मतलब शोर में बदल गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ। हालाँकि मुझे बहुत ज़ोरदार सर्दी हुआ है, मुझे साइनस प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने हरकतों से आवाज़ नहीं आती हूँ, आइसक्रीम वगैरह खा लेती हूँ और जो कि मेरी फजीहत हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं अनु आ गई है समायरा को लेके, तो यहाँ होने जा रहा है अभी अनप्राज का रसम। ये है समायरा के बड़े मामा, तो बड़े मामा से ये रसम स्टार्ट हो रहा है, और मामा मामी की तरफ से चांदी का कटोरी, चांदी का चम्मच, गिलास वगैरह सब आ गया है। तो दोस्तों समायरा भी पिंकी पिंकी बन गई है, क्योंकि इस वक्त समायरा को बहुत नींद आ रहा था, तो बड़े मुश्किल से जगह जगह के ये रस्म किया गया। बाद में तो ये मैडम रात भर जागी होंगी हमें पता है, पर उस टाइम उनको नींद आ रहा था, तो हम बहुत मुश्किल से किसी न किसी तरह जगह जगह के कर रहे थे। तो यहाँ मामा बैठ गए हैं रस्म करने के लिए, अभी मामी भी आएंगी। तो ये मेरा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये अनप्राज का, अच्छा है कि अनु ने स्टार्ट कर दिया है, उसके पहले मैं किसी अनप्राज में नहीं गई हूँ, और मेरे खुद के बच्चे हुए हैं, हम लोग ने कभी अनप्राज या हर महीने जो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं या फ़ोटो शूट करते हैं सब, वो सब भी हमने नहीं किया है, तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा भी है कि कोई ना कोई स्टार्ट करता है तो फिर बाकी लोग भी चालू करते हैं, और एक ये मौका मिलता है फैमिली वाले को एक दूसरे से मिलने का और इन्जॉय करने का। तो ये बड़ी मामी भी आ गई हैं, तो बड़ी मामी मामा दोनों देख सकते हैं समायरा के साथ पिंक पिंक बने हुए हैं, पिंकी पिंकी। तो यहाँ मामा मामी से ये रस्म स्टार्ट होने जा रहा है, तो जितने मामा मामी आए हैं सब एक एक करके ये रस्म करते हैं, तो मैं आपको बताती चली जाऊँगी कि ये रस्म मतलब कौन कौन मामा है, क्या मतलब कौन सगे हैं, कौन कज़न है, मैं सबको बताती जाऊँगी। तो यहाँ समायरा देख सकते हैं सो रही है, तो उसके मामा सुला रहे हैं, तो सब बोलते सुलाओ मत, तो बोले नहीं मैं जगा के कर लूँगा। तो अभी देख सकते हैं ऐसे चुटकी बजा के जगा भी रहे हैं। तो टीका यहाँ लगाया जा रहा है, टीका लगाने के बाद डायरेक्ट मतलब ये रस्म होगा। और अनु ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था घर को, और अली भाई ने भी, और खाने वाने का भी मतलब इंतज़ाम किया था। तो मेरी आवाज़ थोड़ा सा अगर इधर उधर होगी तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि सच में बहुत ज़ोर सर्दी हो गई है। तो यहाँ चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से खिलाया जा रहा है खीर, तो अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे भी मेरे गए थे और छोटे छोटे बच्चे, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे भी आए थे, देख सकते हैं सब साइड में बैठे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं मैंने जूम करके लिया, कैसे पहला मतलब पहली बार ये अन्न जा रहा है समायरा के मुँह में, तो वो भी टेस्ट कर रही है कि ये आइटम क्या है भाई जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ये आ जाती हैं उनकी छोटी मामी, समायरा की छोटी मामी है, और मामा तो नहीं आए, तो हो सकता है किसी वजह से कहीं होंगे ड्यूटी वगैरह पे, इसीलिए नहीं आ पाए हो। और ये मामा मामी के बेटे हैं, और यहाँ मामा के जगह भतीजा खिला रहा है, अरे अपनी बहन को, बहन ही लगेगी ना, हाँ बहन को। तो ये मामी टीका कर रही है, फिर इसके बाद ये
वैसे ज़्यादा तो खिलाया नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा ओठों पे चटाया जा रहा है क्योंकि अभी पहली बार खिला रहे हैं ना। और यहाँ अली भाई देख सकते हैं सोच रहे हैं कि हर महीने मेरा पैसा खर्चा करवाती है, और बोल भी रहे थे अली भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि हर महीने कुछ ना कुछ होता है। मैं बोली अली भाई अच्छा है ना, और अच्छा है अली भाई, अब बिटिया आई है, भगवान करे बिटिया के भाग से आपको खूब तरक्की हो, खूब पैसे कमाए। और अनुराधा ऐसे ही हर महीने कुछ ना कुछ पार्टी, हर महीने का बर्थडे सेलिब्रेशन करते रहे। और इसके बाद दोस्तों बारी बारी से बाकी के भी कज़न मामा मामी भी थे, उन लोग भी रस्म करके चले गए, और ये भी मामा हैं और ये भी कर रहे हैं। ऐसे ही बारी बारी करके सारे जितने मामा मामी थे सब लोग रस्म कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये हैं, अरे ये भी मामा मामी है, ये मुन्नी है ना जो मैंने बताया अनु की फ्रेंड है, उनके भैया भाभी हैं, तो ये भी रस्म कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारी बारी आती है, हम भी मामा मामी है समारा के मोह बोले मामा मामी, और मुझे लगता है ये भी मोह बोले ही हैं, अरे मुन्नी के भैया भाभी भी। तो उसके बाद हमारी बारी आती है तो हम मियाँ बीबी भी आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं समारा को लेके मैं आ जाती हूँ। समारा इस वक्त सो रही हैं, लास्ट में मैं ही रहती हूँ, बाकी सबका हो गया जितने लोग आए थे, सगे मामा मामी, कज़न मामा मामी और मोबोले मामा मामी में आखिरी हम लोग हैं। तो यहाँ समारा को टीका लगा रहे हैं, और ये मेरा वीडियो शॉर्ट वीडियो लिया गया है इंस्टाग्राम के लिए, और ये यूट्यूब के लिए नहीं है, फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि मैंने भी रस्म किया था, मतलब हम मामा मामी भी रस्म की है। तो यहाँ समारा देख सकते हैं जैसे चम्मच उठाते हैं जेपी जी खिलाने के लिए, वैसे ही वो देखने लगती है कि ये कौन से मामा मामी है, कितने मामा मामी है, यही सोच के उसने आँखें खोल दिया समारा ने, और फिर इसके बाद फिर सो गई। देख सकते हैं जैसे हमने मुँह में डाला थोड़ा सा वैसे ही फिर सो गई। तो ये रस्म कंप्लीट होता है, उसके बाद देखते हैं फ़ोटो सेशन चालू हो रहा है, यहाँ सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं क्योंकि उसके बाद दोस्तों 6 मंथ का बर्थडे होने वाला है, और केक वगैरह आ गया, केक भी बहुत प्यारा आया है, और खाने होने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम अली भाई और अनु ने किया था। यहाँ अली भाई अपनी बिटिया के साथ सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि अनु बोल रही थी हमारा कोई फ़ोटो ही नहीं लिया क्योंकि सब बिजी थे, और आजकल इतना मतलब जितना ही फ़ोन आ गया है ना उतने लोग अब फ़ोटो खींचना बोरिंग समझने लगे हैं। और अभी पार्टी वगैरह में कुछ होता है तो सबको बोलना पड़ता है यार मेरी वीडियो खींच ले लो, मेरी फ़ोटो खींच लो। तो यहाँ मैं ये वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो लिया था, और अनु और अनुराधा सॉरी अनु और अली भाई के साथ यहाँ फ़ोटो कोई फ़ोटो खींच रहा है, मैंने शॉर्ट वीडियो ले लिया था। यहाँ भी देख सकते हैं तमारा सो ही रही हैं, रसम के टाइम मैडम सो रही हैं, उसके बाद रात भर जागी होंगी मुझे पता है, और कब सोई होंगी वो भी नहीं पता, पर बच्चों का यही होता है शायद दोपहर में अच्छे से सोई नहीं होंगी। और उसके बाद बारी आती है यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन की 6 मंथ की, और केक वक सब आ गया है। यहाँ देख सकते हैं ये सब लोग, ये अनु के चाचा चाची और भतीजा भतीजी वगैरह सब हैं, भाभी वो भी सब हैं। और ये देख सकते हैं प्यारा सा केक, कितना क्यूट केक बनवाया है, बहुत प्यारा केक बना हुआ था दोस्तों, और अच्छा लग रहा था। ये अनु ने ये मछली का ये भी रखा हुआ है, और घर भी बहुत अच्छे से मैंने देख सकते हैं, रूम का तो मैं आप लोग ने पहले देख लिया होगा, ये अच्छा मतलब इंटीरियर वगैरह कराया हुआ है, अच्छा घर मतलब अच्छा घर भी है, इंटीरियर भी अच्छा है। उसके बाद बारी आती है यहाँ केक कटिंग की, यहाँ सबसे पहले बोल रहे थे कि हमको बोलना क्या है हैप्पी बर्थडे टू यू, और वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू यार गला काम नहीं कर रहा है, एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ दोस्तों कटिंग होती है केक कटिंग, और यहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू ही बोल रहे हैं, मेरे भाई अपनी बिटिया का हाथ पकड़ के हाथ मिला रहे हैं, और केक कट जाएगा उसके बाद फिर से फोटो सेशन चालू होगा। फोटो को खिंचा के हम लोग फिर उसके बाद खाने को टेक पड़ते हैं क्योंकि बहुत जोर से लगी थी क्योंकि 10 बज के चले गए थे, खाना का टाइम खत्म हो रहा था, तो वो सब से लगी थी तो सब टूट पड़े खाने को, तो खाना सबसे बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा खाना था। और यहाँ देख सकते हैं हंस रही है हमारा मैडम अभी, और यहाँ सबका ये मामी है न्यौछावर कर रही हैं और पैसे वगैरह दे रही हैं, और सब लोग ने अपना गिफ्ट वगैरह सब लोग पहले ही दे दिए थे जो भी लाए थे। और यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो चल रहा है, सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है खाने की, तो यहाँ सब लोग देख सकते हैं खाने पे बैठ गए हैं, पहले पुरुष प्रधान बैठ जाते हैं और सब लोग अपने प्लेटें साफ कर रहे हैं, और कुछ लोग किचन में लगे हुए हैं,
और यहाँ हम आ जाते हैं बेडरूम में, तो हम बेडरूम में एक दूसरे से जितनी महिलाएं रहती हैं हम सब बात करते हैं, यहाँ टाइम पास करते हैं और यहाँ बच्चे देख सकते हैं चेक टेस्ट करिए, सब बोल रहे हैं कि चेक पे लगा होता है डिजाइन वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यहाँ हम भी खाने पे बैठ गए हैं दोस्तों, तो ये खाने में बना है पनीर, पनीर का क्या बोलते हैं पनीर टिक्का जो भी है, और छोले हैं, चावल है मतलब चावल पुलाव शायद है, पुलाव या बिरयानी है, रायता है, पूरी है। खाना सच में बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने तो पेट भर के खाया। केक भी है हम लोग ने खाया, और यहाँ सब लोग खाने के बाद फिर उसके बाद हमारी देख सकते हैं, यहाँ मैं अपना भी शूट कर रही हूँ, तो आगे का वीडियो अभी वॉइस में देख लीजिएगा, मैं सबसे विदा उदा ले रही हूँ। सृष्टि ने फोटो ही नहीं खींचा, अभी अभी ले गोद में ले 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 अभी गोद में ले उठा कंकु चलो ऐसे कर रही है आराम से इसको ना लोग चाहिए रहते खिलाने खिलाने के लिए छुपा रही है छुपा रही है कुछ ज्यादा लिए भी नहीं है बस इतना सा खाना लिए छुपा रही है चलो बाय बाय ध्यान रखो बिटिया रानी का चलो भाई तो कैसा रहा अन्नप्राश पहली बार था बाय 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 तो किसका बाय बाय कर लूंगी ना उसके बाद वीडियो डी एंड होगा ना बाय बाय बेटा कितना शर्मा रही है बाय चलो बाय बेटा बाय सबको बाय चलो बाय बाय खूब 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 अच्छे से खाओ हाँ कहाँ मिलू फुर्सत में तुम ही नहीं हो मैं तो फुर्सत ही फुर्सत है मेरे को तुमको ही नहीं है चलो अली भाई बाय बहुत अच्छा था प्रोग्राम ऐसे ही आप तरक्की करते रहो और हर महीना हमें बुलाते रहो खर्चा करते रहो सब्सक्राइब करो इनको फॉलो करो ताकि इनको चेक आता रहे पैसे थैंक यू भाई चलो बाय जब मुझे एक महीने के 1 करोड़ रुपए आएगा तो पार्टी दूंगी उससे कम आएगा तो नहीं दूंगी हाँ वही